आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों किसी भी ई रिक्शा डीलर को जल्द और आसान स्पेयर पार्ट मिलने से फायदा होता है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिनेश गोयल है और मैं बहुबली रिक्शा को फाउंडर हूँ, सह संस्थापक हूँ। साथियों, जो ये सवाल है ना कि ई रिक्शा डीलर्स को जल्दी स्पेयर पार्ट मिलने का क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है, क्या प्रॉफिट उनको होता है, साथियों, तो मैंने रिक्शा डीलरशिप करी थी, मैंने स्पेयर पार्ट से बहुत परेशानी करी, झेली थी। मुझे किसी ने नहीं बताया कि स्पेयर पार्ट भी रखने हैं तो कौन कौन से रखने हैं, कब रिप्लेसमेंट देनी है और स्पेयर पार्ट रखने से क्या क्या फायदा होगा। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जब डीलरशिप ओपन करते हैं, अगर हमारे पास स्पेयर पार्ट भरपूर है तो आपको सर्विस में कभी मूंगफली नहीं खानी पड़ेगी, आप हमेशा विजेता रहेंगे। इसलिए आपको डीलरशिप लेते समय या डीलरशिप चलाते समय ध्यान रखना है कि स्पेयर पार्ट पूरे के पूरे होने चाहिए, पहला। दूसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमेशा उसकी इन्वेंटरी लगातार आप भरते रहे। अगर कोई स्टॉक उसमें से यूज कर रहे हैं सर्विस के अंदर, तो लगातार आपको कंपनी से वो स्टॉक लेके अपने पास रखें ताकि आप इजीली सर्विस दे पाएं और स्पेयर पार्ट सेल करके भी आप अपने ग्राहक को संतुष्ट कर पाएं। साथियों, तीसरा आपको क्या याद रखना है कि स्पेयर पार्ट ई रिक्शा डीलरशिप स्पेयर पार्ट सर्विस और सेल तीनों तरीके से चलाई जाती है। तो स्पेयर पार्ट पे जब फोकस करेंगे तो आप पैसा भी कमाएंगे, आपका ग्राहक भी संतुष्ट होगा, आपके ग्राहक को यहाँ वहां धक्के नहीं खाना पड़ेंगे, इसलिए इनसे मुनाफा भी बढ़ता है, ग्राहक संतुष्ट होता है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ई रिक्शा डीलरशिप करना चाहते हैं या ई रिक्शा लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। साथियों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो